भाग्य का सितारा भी बुद्धि मात्र है। वैसे तो भाग्य का सितारा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता जरूर दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेटरों के सितारे की, जानेंगे किस भारतीय क्रिकेटर का सितारा बुलंदी पर है और किसका सितारा गर्दिश में। इन्हीं बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष गुरु एमके भंडारी साहब। एमके भंडारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि सितारों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। जयदीप साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सितारों की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। देखिए, ये इंडियन फिलोसफी या इंडियन रिलीजन या इंडियन एस्ट्रोलॉजी, ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को मानती है। यानी कि जैसे कि गीता में कहा है कि वासांसी जीवनानी यथा विहाय नमानी गृहणाति नरोपराणी यथा शरीराणी विहाय जीवनानी नन्यानी संयाति नवामी देही। यानी कि ये जो मृत्यु को जो हम देखते हैं, मृत्यु सिर्फ आत्मा के द्वारा एक चोला बदला जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं। तो जो कर्म हम पूर्व जन्म में अच्छे कर्म जो हमने किए होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा जीवन हमारे जीवन में आता है। जो भी हमने पूर्व जन्म में खराब कर्म किए होते हैं, उसकी वजह से ये सब डिफिकल्टीज हमें आती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी फुल ऑफ डिफिकल्टीज होती है। यानी आप ये देखिए जैदी साहब, आप ये देखिए कि किस तरीके से सितारों का कितना अहम रोल होता है कि एक बच्चा कितनी भी योग्यता के साथ में पैदा हो, अगर वो ये बात डिसाइड नहीं कर सकता कि वो किस परिवार में जन्म लेगा, उसे ये डिसाइड करने का उसका कोई हक नहीं है कि उसके माता पिता कौन होंगे। अगर उसके माता पिता योग्य हैं, जो कि उसे एक योग्य एनवायरमेंट दे सकते हो या उसकी प्रतिभाओं को निकालने के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा देने में सक्षम हो, या ये समझिए कि अगर कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहां की माता पिता झगड़ा करते हो, डाइवोर्स में हो, या पिता जो है बहुत ज्यादा नशे का आदी हो, तो उस बच्चे को कितनी भी प्रतिभा संपन्न होते हुए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार से आप ये बात डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी संतान कौन होगी। मैं ऐसे बहुत से माता पिताओं से मिला हूं जो कि संतान के खराबी के चलते संतान उनकी मुसीबत का एक पहाड़ लेके आ जाती है, पुलिस का, कोर्ट का, कचहरी का केस। इसी प्रकार से बहुत से माता पिता को ऐसी संतान मिलती है जो कि बहुत केयरलेस होती है या माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। और बहुत से ऐसे पिता भी हैं जो कि इतने लकी हैं, जैसे श्री हरवंश राय बच्चन जी। आप देखिए उस संतान ने उनका कितना नाम कमाया, अमिताभ बच्चन जी के की वजह से उनको जाना जाता है। वैसे तो स्वयं भी वो बहुत योग्य व्यक्ति रहे थे, लेकिन अमिताभ जी आइकॉनिक और लीजेंडरी एक्टर होने की वजह से पूरे विश्व में वो अपने संतान की वजह से विख्यात हुए। तो ग्रहों का बहुत बड़ा असर है। अगर आप अमिताभ बच्चन की शुरुआती दौर देखते हैं, शुरुआती जिंदगी देखते हैं, तो उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो क्या अवसर उनके सितारे गर्दिश में थे या क्या रहा होगा? जयदीप साहब, आपने बहुत बहुत ही आपने बहुत अच्छा बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है, देखिए ज्योतिष में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक है, एक जब आप जन्म पत्री को देखते हैं तो उस जन्म पत्री के अंदर बहुत से राजयोग बनाने वाले ग्रह होते हैं। तो जो राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं वो व्यक्ति को सक्षम बनाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि उन ग्रहों की दशा व्यक्ति को पड़े। अगर किसी भी वजह से उसको व्यक्ति को पूरे जीवन में अच्छे राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दशा नहीं पड़ती तो वो कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अमिताभ बच्चन जी जिस समय पे स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, उस समय वो बृहस्पति की दशा से निकल रहे थे और खासतौर पर छिद्र दशा से निकल रहे थे। शनि का लगन है उनका, कुंभ लगन के जातक हैं, शनि उनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं जहां से कि हम मान सम्मान और एसेट्स देखते हैं, क्राउनिंग देखते हैं, और शनि वहां पे बैठ के एक बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। उसके अलावा वो दशम भाव जहां से हम लेवल ऑफ अचीवमेंट को देखते हैं उससे भी एक संबंध बनाते हैं। जैसे ही शनि की 19 साल की महादशा उनकी शुरू हुई, उस समय वो उन्होंने जंजीर पिक्चर के लिए साइनिंग की। आप देखिए ये कितना कोइंसिडेंटल है कि जिस पिक्चर से वो एकदम से हिट करके वो ऊपर आए हैं और एक स्टार बन गए ओवरनाइट, वो उनको शनि भगवान की कृपा से मिला। तो जैसे अमिताभ ने शुरुआती दौर में स्ट्रगल किया और फिर उन्हें कामयाबी मिली, तो क्या उन्हें सितारे ने बाहर किया है या फिर उनके काम ने सितारे की दिशा बदली है? देखिए ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन आपने निकाला है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड है, मैं इस बारे में सोचता रहता हूं। देखिए प्रयत्न को आप ये समझिए, जो प्रयास है, जो पुरुषार्थ है, जो प्रयत्न है, उसे कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयत्न के कुछ नहीं होता।
इसमें ये सब हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी कपलेट्स लोग बोलते हैं जो कि बड़े बेमानी के लिखे हुए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दाता राम तो जरूर हैं, राम या अल्लाह ये जो भी गॉड हैं वो सब कुछ देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कहना कि पंछी काम नहीं करते, अगर आप उनके वर्ल्ड में जाएं या अजगर करे न चाकरी, ये कहना ये बिल्कुल बेमानी की बात है, क्योंकि कोई भी एनिमल किंगडम में आप जाते हैं तो सब बहुत ऑर्डरली तरीके से काम करते हैं। तो जो पुरुषार्थ है, जो प्रयत्न है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अमिताभ बच्चन जी का जो थर्ड हाउस है, इसीलिए कुंडली के अंदर तीसरे भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना है ऋषि ने, और उन्होंने थर्ड हाउस को, छठे भाव को, दसवें भाव को और एकादश भाव को उन्होंने उच्च भावों की संज्ञा दी है। यानी उच्च भाव का मतलब होता है जैनी साहब की वो हाउसेज ऑफ ग्रोथ है। अमिताभ बच्चन जी का जो थर्ड हाउस है वो बहुत पावरफुल है, इसलिए आप देखिए वो जब थर्ड हाउस पावरफुल होता है तो एक व्यक्ति बहुत पंक्चुअल होता है और बहुत हार्ड वर्किंग होता है। और अमिताभ बच्चन जी के बारे में बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि वो सेट पे कभी डिले नहीं करते, बहुत पंक्चुअल हैं और वो अपने काम में बहुत ज्यादा टेक्स के द्वारा मेहनत करके सारे डायलॉग डिलीवरीज को याद करके, और वो जब तक कि परफेक्शन के लेवल तक नहीं जाते तब तक वो चैन नहीं लेते, इस वजह से वो। तो आपका जो कहना है ये बात इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा एक भाग्य अच्छा भाग्य होता है, लेकिन आप उस अच्छे भाग्य को और अच्छा बना सकते हैं प्रयत्न के द्वारा, जो कि अमिताभ जी ने इस बात को प्रूव किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रयत्न से भाग्य बनाया जा सकता है, ये तो एक जनरल बात हो गई। अब हम बात करते हैं, चूंकि शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि क्रिकेटर की बात की जाएगी, भारतीय क्रिकेटरों की, उनका भाग्य और उनके सितारे, उनका ग्रह कैसे चल रहे हैं। जैसे कि अभी सहवाग को बाहर कर दिया गया, तो सहवाग के बारे में, सहवाग के सितारे कहाँ हैं और किस तरह उनके गर्दिश में है या फिर बुलंदी पर है, जिस तरह की बात। जी हाँ, देखिये जहां तक वीरेंद्र सहवाग साहब की बात है, वीरेंद्र सहवाग काफी अच्छे क्रिकेटर हैं और वीरेंद्र सहवाग की जो कुंडली है, जो जन्मपत्री है, वो मकर लग्न की है। जो लग्न का स्वामी इनका है वो अष्टम भाव में है। देखिए अष्टम भाव, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ज्योतिष के विद्यार्थी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि अष्टम भाव बहुत वोलेटाइल भाव माना जाता है। यानी कि कुंडली का वो ऐसा भाव है जो सडन एक्शंस का भाव है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं कि कोई सडन हैपनिंग जो व्यक्ति करने में कैपेबल होता है या उसके जीवन में गुजर रही होती है। तो सहवाग साहब का जो कि लगन जो है वो सेल्फ को, पर्सनालिटी को, फिजिक को, अचीवमेंट्स को, हैप्पीनेस को, स्वरों को और इसी तरह से सक्सेस एंड फेलियर को बताने वाला प्रथम भाव का स्वामी होता है। वो प्रथम भाव का स्वामी जो इन सभी चीजों को बताता है वो अष्टम भाव में बैठा है, तो वो हर चीज में बड़े वोलेटाइल रहे हैं और उनके साथ चीजें बड़ी सडनली होती हैं। कभी वो अगर आप देखते हैं कि त्रिशतकी पारी में जाते हैं तो उसके पहले की बहुत सी पारियों में वो फेल हो रहे होते हैं। इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सडनली उनका या तो राइज होता है या बहुत फॉल होता है, और इसी प्रकार से वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये जो इनके लगन के स्वामी चूंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वो इसलिए उनके बिहेवियर को और उनके काम करने के तरीके को अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा टफेस्ट जो बॉलर होता है उसकी वो धुनाई करने लगते हैं, जिस बॉलर से सारे बैट्समैन हमारे डर के अपने स्टंप को छोड़ के अलग खड़े हो जाते हैं और एक के बाद एक आप देखते हैं विकेट गिरते चले जाते हैं। तो इस तरीके के बॉलर के सामने भी वो बड़ी बिंदास तरीके से वो बैटिंग करते हैं और उसकी बॉलों को सिक्सर और सिक्स एंड फोर और वो कंटिन्यूअसली उस पे वो स्ट्राइक करने लगते हैं, रन बनाने लगते हैं। तो उनका भी जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि बॉलरों की बहुत अच्छी धुनाई करते हैं सहवाग। तो उस दौरान एक सवाल पैदा होता है कि उस समय सहवाग के सितारे ऊंचाई पर होते हैं या बॉलर के गर्दिश में होते हैं, तो क्या देखिए इसमें किसी के सितारे गर्दिश में या नीचे होने का नहीं होता। हमें ये समझने की जरूरत है कि कुंडली में ग्रहों के बहुत पावरफुल हो जाने की वजह से एक आदमी एक क्षेत्र विशेष में स्किलफुल हो जाता है। यानी कि अगर आप कहें कि डॉक्टर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट जो कि बहुत प्रिसीजन के साथ में ऑपरेशन कर रहा है, तो आप ये कहें कि पेशेंट बचता है तो पेशेंट के सितारे गर्दिश से बुलंदी पे हैं या डॉक्टर के सितारे बुलंदी पे हैं। मैं कहूंगा कि ये ज्योतिषी जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि वो जो डॉक्टर है उस डॉक्टर के बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन वो इतना स्किल्ड हो गया है
कि किसी तरह के सितारे वाला पेशेंट आ जाए उसका अपना स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। वही सहवाग साहब के साथ है, क्योंकि जो स्किलफुलनेस का जो हाउस है, जिस भाव से हम आदमी को स्किल्ड देखते हैं, वो भाव का जो स्वामी है वो उनके दसम भाव में एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, जो कि महाभाग्य रोग योग की संधि में आता है, जिसमें कहा जाता है धर्म कर्मादि नेतारो अन्या अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विति प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। ऋषि ने पहले से कह दिया कि इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने वाला व्यक्ति, जिसकी पत्नी में इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, वो विश्व विख्यात होता है और विजित होता है। तो वो उस क्षेत्र विशेष में वो बहुत स्किल्ड हो गए हैं, और जब आदमी स्किल्ड होता है और उसके सितारे अच्छे चल रहे होते हैं, तो ऐसी हालत में वो धुनाई अगर कर रहा है तो वो स्टाइल, वो स्किल का पार्ट है उसका स्टाइल। हिज स्टाइल इज पार्ट ऑफ हिज स्किल। तो वो तो धुनाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल उनका लगन का स्वामी बताता है कि उनका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा फील्ड में। अच्छा, जैसे आपने एक बात कही कि डॉक्टर के सितारे अगर अच्छे होते हैं, अच्छी दिशा में होते हैं, तो वो मरीज का इलाज अच्छी तरीके से कर पाते हैं, यानी क्या डॉक्टर के सितारे मरीज के खराब सितारों की दिशा भी बदल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें दो राय नहीं, इसमें देखिए ये थोड़ा सा आपका ये प्रश्न, आपने तो बड़े अच्छे पत्रकार की तरह से आपने बहुत ड्रिलिंग क्वेश्चन पूछा है, जो कि 30 वर्ष से ज्योतिष के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भी कटघरे में खड़ा करता है। मैं तो 10 वर्ष से ज्योतिष पढ़ाने में लगा हूं। ये प्रश्न देखिए, ये बड़ा हाइपोथेसिस वाला प्रश्न है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मरीज के सितारे अच्छे होते हैं तो सभी चीजें उसी प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार चलने लगती है। यानी कि अगर उस मरीज को किसी सिविल हॉस्पिटल में लेके जाने को किसी का भी विचार नहीं आएगा, यानी कि उसको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल पड़ेगा वो एक ऐसा हॉस्पिटल पड़ेगा जहां पर बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई स्किल्ड होता है तो उसका स्ट्राइक लेवल काफी अच्छा होता है। यानी आप जैसे देखिए डॉक्टर नरेश त्रिहान की बात कर लीजिए या डॉक्टर वेणुगोपाल जी, इनका जो है फेलियर रेशो बहुत कम होता है, क्योंकि हाई स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, इसी वजह से इनके केसेस ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इसमें जो प्राथमिक जो बात है वो ये है, जब आपका सितारे अच्छे होते हैं तो आपके दिमाग में उसी तरह के विचार आने लगते हैं, आप उस तरह के प्रोफेशन में जाने लगते हैं जिस प्रोफेशन में लाभ होने की सारी संभावनाएं होती हैं। जैसे आप एक व्यक्ति का अगर सितारा गर्दिश पे है और कुछ समय के बाद में किसी कंपनी का बबल बस्ट होने वाला है, तो आप समझिए उसको इस तरह की विचारधारा आएगी कि उस कंपनी को ज्वाइन कर ले, और कुछ समय बाद ले ऑफ हो जाएगा या वो कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाएगा मार्केट में, कंपनी डूब जाएगी, तो उसका अच्छा करियर जो है पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। तो उस तरह का जब सितारे आपके अच्छे होते हैं तो उस तरह की विचारधारा आपके अंदर बनने लगती है और आप उन लोगों के साथ जुड़ने लगते हैं जो कि आपको सफल बना सके। यानी सितारों से ही विचारधारा तय होती है। तो हम बात कर रहे थे सहवाग की, तो सहवाग के सितारे जैसे अभी आपने कहा कि वो बाहर है, अब कब तक वो अंदर आ पाएंगे इन सितारों की वजह से? देखिए जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। इस समय देखिए जो सहवाग साहब की गुरु की महादशा इसमें चल रही है और सहवाग साहब के गुरु उठ चुके हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ज्योतिष में जिसे जानकारी हो या ना हो उसे ये समझा देना ही काफी होगा कि कोई भी ग्रह अगर आपकी पत्नी में उच्च का है तो वो पास्ट लाइफ की कर्मा की साइकिल को बताता है। यानी बताता है कि उस गुरु, जो कि गुरु यहाँ पे उच्च के पत्नी में बैठे हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने गुरु के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में कोई एक ऐसा इतना अच्छा काम किया है कि इस वजह से जब उनका जन्म हुआ तो गुरु उच्च के हैं। तो इन गुरु की जी अगर दशा चल रही है तो वो कभी भी उनका डाउनफॉल नहीं दिखाएगी और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। अब स्थिति यह आती है कि जो उनका अंदर दशा का जो लॉर्ड है वो केतु है, और इस कुंडली के अंदर केतु बुध की राशि में बैठे हैं। देखिए, इस कुंडली में मकर लगन के जो जातक होते हैं उनका बुध उनका सप्तेश होता है, नवमेश होता है, और केतु और राहु के बारे में कहा जाता है कि ये तमो ग्रह हैं, यानी कि ये मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। ये कहा जाता है यद्यद भाव गतो वापी यद्यद भावेशु संयुतो तत्त फलानी प्रबलो प्रदीशेतान तमोग्रह, यानी ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं जिस भाव विषय पर बैठते हैं। तो केतु इनके थर्ड हाउस के केतु हैं, जो कि गुरु की राशि में बैठे हैं
और गुरु महादशा के लॉर्ड हैं, गुरु उच्च के हैं सप्तम भाव में, तो केतु ने फल तो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन राहु कोई भी ग्रह इसमें ओवर राइट नहीं होता। देखिए ज्योतिष के अंदर अगर कोई ग्रह खराब योग बनाता है तो वो खराब योग भी हमारे को दिखाई पड़ता है, और कोई अच्छा योग बनता है तो वो अच्छा योग भी दिखता है। तो ज्यादी साहब ने एक बात ये देखिएगा कि कोई चीज ओवर राइट चूंकि नहीं होती, तो आप देखिए जिस समय माँ को खोया था राजीव गांधी ने, वो उनके अपने ही सिक्योरिटी वालों ने उनको मारा था, तो कितना बड़ा शॉक लगा होगा एक बेटे को, कितनी दुखद घटना थी। लेकिन उसी के साथ में चूंकि राजयोग बनाने वाले ग्रह आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय पे उनको राजगद्दी भी दे दी, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो देखिए कोई चीज ओवरराइट नहीं होती, यानी कहने का मतलब है कि ज्योतिष में अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कि निकृष्ट है और खराब रिजल्ट देने वाला है, तो एक तरफ से बहुत दुखद घटना हुई बेटे की लाइफ में मां का छूट जाना, और एक बहुत सुखद घटना हुई कि उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाना। तो वो ग्रह दोनों तरह के फल देते हैं। तो यहां सहवाग साहब के केस में भी चूंकि केतु का अंतर आया है, और केतु एक मैलेफिक प्लैनेट है, और तीसरा भाव जो है त्रिषडाय का भाव है, यानी पाप भाव है। इसमें कहा जाता है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फलप्रदा पति है त्रिषडाय नाम यदा पाप फलप्रदा, यानी कहने का मतलब जो तीसरा छठा और ग्यारहवां भाव है ये बहुत पापी भाव माने जाते हैं। पापी भाव पर बैठे हुए एक तमो ग्रह यानी कि एक पाप ग्रह केतु की दशा आई थी, इसलिए उनको इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। लेकिन उसमें चिंता ना करें आप, क्योंकि सितंबर के बाद जैसे ही उनका शुक्र का अंतरा शुरू होगा, इसका मतलब उनका फिर से सितारा बुलंदी पे होगा, और वो इसी तरीके से वो बलरों की दुनाई करते हुए हमको हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी ये तो सहवाग की बात हो गई, अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। बार बार सचिन तेंदुलकर अपने सौर शतक से चूक जाते हैं, तो क्या उनका सितारे उनके साथ नहीं होते उस वक्त? जी हाँ, ये तो ऐसा तो मालूम चलता है क्योंकि उनके सितारे उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे भी बहुत अफसोस होता है क्योंकि सौवें शतक से वो हर बार बहुत मामूली से मार्जिन से छूट जाते हैं, और इस समय पे अगर सचिन जी की हॉरोस्कोप देखी जाए तो सचिन जी शुक्र की महादशा से निकल रहे हैं, और कन्या लग्न के जातक के लिए शुक्र मार्केश होता है। जब भी कभी इसमें हमारे ऋषि ने ये कहा है कि जब भी कभी मार्केश की दशा आती है तो वो मारता नहीं कभी भी, लेकिन वो मानसिक रुदन देता है, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से इतना तंग कर देता है कि उसे बहुत दुख से निकलना होता है। और इस समय जो कि शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि शुक्र सचिन जी की हॉरोस्कोप के अंदर मार्केश है, इसलिए उनको ये स्थिति आई है। और चूंकि इनका जो अंतरदशा का लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। देखिए जब भी कभी नीच का कोई ग्रह होता है तो वो नीच का ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। सचिन तेंदुलकर जी की हॉरोस्कोप में चंद्रमा नीच के हैं, नीच के ग्रह की का जो दशा इनकी शुरू हुई है वो लास्ट ईयर सितंबर 2011 के सितंबर से शुरू हुई है, जिसका असर तीन माह पहले से शुरू हो जाता है, यानी कि जून 2011 के बाद से इनको ये नीच के चंद्रमा के असर शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जब भी कभी नीच का ग्रह होता है तो इस तरीके से अंगूर खट्टे है वाली स्थिति देता है, यानी कि मिलते मिलते चीज हाथ से निकल जाती है। अगर वो चंद्रमा का उपाय कर लें, चंद्रमा के अगर वो वैदिक मंत्र करवा लें, चंद्रमा के पौराणिक मंत्र करवा लें, तो जरूर ये घटना हो सकती है। इसके अगर हम ये माने कि दूसरा जो उनका अंतरा शुरू होता है वो उनको कब ये फल देता है, तो मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा अंतर शुरू होने वाला है मित्र, ये मई 2012 के बाद उनका बहुत तेजी से एक्टिव होता है, तो इसका मतलब उनका सौवां शतक मई 2012 के बाद ये अगस्त के पहले पहले लग जाना चाहिए। जी आपके अनुसार यानी मई के बाद सचिन का सौवां शतक लग सकता है जी। तो जब तक अब तक जैसे सचिन ने 99 शतक बनाए, अब तक उनके सितारे अच्छे थे? देखिए फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने आपसे कहा कि स्किल्स की बात होती है। जब कुंडली के अंदर बहुत अच्छा राजयोग बनता है स्किल वाले भाव से, स्किल्स हम देखते हैं दो चीजों से, एक लगन के स्वामी से और एक आदर्श भाव के स्वामी से। क्योंकि एक आदर्श भाव जो है वो उसे हम डिजायर फुलफिलमेंट का या एम्बिशन फुलफिलमेंट का भाव कहते हैं। अगर उसका स्वामी लगन के स्वामी के साथ और दशम के स्वामी के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाता है तो ऐसा व्यक्ति इतना स्किल्ड हो जाता है। अब देखिए ये प्रश्न आपका इस तरीके का प्रश्न है कि आप मुझसे कहें कि एक अच्छा ड्राइवर है जो कि गाड़ी को पिछले 20 साल से चला रहा है और वो बहुत अच्छी स्पीड में चलाता है और कभी उसने एक्सीडेंट नहीं किया है, तो क्या उसके सितारे बुलंदी पे हैं? अगर उसके सितारे बुलंदी पे हैं तो कभी कभी उसके धर्म में आटे दाल की भी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है?
क्या उसके सितारे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब कुंडली के अंदर हम एक